वाह, क्या बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी दोस्तों, जैसा कि आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। देखिए कितना अच्छा से पेड़ पौधा झूम रहा है, तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं क्या बनाते हैं। तो हेलो गाइज, मेरे कुकिंग ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूजी के पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कप सूजी लेंगे बारीक वाली और एक चौथाई कप हम दही लेंगे। दोनों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी इसमें पानी की ज़रूरत है, तो इसमें हम थोड़ा पानी डालकर भी मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद सूजी अच्छे से सेट हो गया है, देखिए अच्छे से फूल गया है। तो इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, आधा शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ। आप सब्जियां हैं अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डालेंगे काट कर और हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे दो तीन। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। पकौड़ी जब तक तीखा ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ा तीखा होना ज़रूरी है। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसे सोडे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह का बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। देखिए इस तरह का बैटर है। अब हम इसे तलेंगे, तो देखिए चम्मच से ही हम इसे तेल में डालेंगे। बहुत आराम से ये निकल जाएगा, चम्मच से गिर जाएगा। देखिए इस तरह बहुत ही आराम से आप पकौड़े तल सकते हैं। और सूजी के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। ज़्यादा इसमें हम मसाला भी कुछ नहीं डाले हैं, इतना ही मसाले में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बारिश के मौसम में आप सूजी के पकौड़े एक बार ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे पकौड़े भी तल कर तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं तलना है, इसे अब हम निकाल लेंगे और प्लेट में डाल लेंगे। इसी तरह से सारे पकौड़े तल कर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर क्रिस्पी पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर लेमन टी बनाए हैं, क्योंकि हम लोग दूध वाली चाय पीते नहीं हैं, तो पकौड़े के साथ चाय चाहिए, तो हम लोग लेमन टी बनाए हैं। लेमन टी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पीने में। तो ये है हमारा पकौड़ा तैयार। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा,